वेलकम टू नेट प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मून, हम अपने चैनल पे डीजे फेस सिक्स के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाते हैं। इनाम भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फेस सिक्स को डील करते हैं और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं फेस सिक्स के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ सेक्टर ए दिखाएंगे आपको। सेक्टर ए के हवाले से इनाम भाई से सवाल भी पूछेंगे। इनाम भाई को हम इधर लेके आएँ कि हमें सेक्टर ए का थोड़ा सा बहुत विजिट कराएँ। सो इनाम भाई, सबसे पहले ये बताएँ कि सेक्टर ए डीजे फेस सिक्स के साइड पर। हम इस वक्त डीजे फेस सिक्स सेक्टर ए सर्विस रोड पर खड़े हैं, हमारे पीछे आपकी बैक पे ये जो ब्लैक टॉप हुई है। हाँ, ये सर्विस रोड है, ठीक है, माने से बोलते हैं। और ये सामने इसके जो है कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अच्छा, और इसी के हमारी जो ये मेरे लेफ्ट हैंड पे आ रही है, ये मेन एक्सप्रेस वे है, डीएचए की एक्सप्रेस वे है। अच्छा। डीएचए फेस फाइव से होते हुए हम यहाँ पे यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, नाम भी वैसे अगर हाईवे से आएंगे तो कितना टाइम लगता है सेक्टर यहाँ पे पहुँचते हुए? तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं यहाँ पे आते हुए। तो हाईवे से स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 5 मिनट का। अच्छा, यहाँ पे नाम में बैलेट हुए हैं, वो मैप पे दिखाते हैं, हमें व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। मैप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। मैप पे कुछ प्लॉट्स होते हैं उसमें कलर हुआ होता है, वो सारे प्लॉट्स कौन से हैं? वो जो मैप्स पे आपको कलर प्लॉट नज़र आ रहे हैं ना, उनमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो मौके पे मौजूद हैं, डेवलप हैं। अच्छा, वहाँ पे सर्विसेज सारी पहुँची हुई हैं लेकिन पोजेशन नहीं है वहाँ पे। कुछ ऐसे भी हैं जो मार्क हुए हैं मैप पे लेकिन उस जगह पे जो है वो ऑन ग्राउंड कटिंग नहीं हुई हुई, ज़मीन मौजूद है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सामने स्ट्रीट वगैरह या सर्विसेज जो है ना वो नहीं पहुँची। लेकिन जो मैप के ऊपर मार्क हुए होते हैं, कलर जो कलर जो हुए होते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। इनाम भी स्ट्रीटें इसके अलावा आपको दिखाऊंगा जी। बेसिकली इसलिए इनाम भाई को हमने बेसिकली बुलाया है कि वो हमें जो प्लॉट्स हैं वीएचए फेस सिक्स के जो मौके पे मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, उनको दिखाएँ। सो इनाम भाई, सबसे पहले बताएँ कि कौन सी स्ट्रीट दिखाएंगे? इस वक्त स्ट्रीट 5 है मेरे सामने, करीब ही है। लेट्स गो टू स्ट्रीट 5। इनाम भाई हमें स्ट्रीट 5 दिखाने लगे हैं डीएचए फेस 6 सेक्टर 1। अच्छा, पहले हम D1 सर्विस रोड पे खड़े हुए थे, अब हम आगे आ गए हैं थोड़ा सा। इनाम भाई से पूछेंगे, इनाम भाई ये जो रोड इसमें खड़े हैं ये कौन सी है? ये D2 सर्विस रोड है ये, ठीक है। और इसी तरह ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ठीक है। और ये जो है राइट साइड पे ये रेजिडेंशियल प्लॉट है। राइट साइड पे हमारी जो गलियाँ स्टार्ट हो रही हैं, मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। गली नंबर 4 है वो जो पहली वाली गली है, गली जो है वो गली नंबर 4 है, ठीक है। उसके ये आपके पीछे जो आ रही है गली नंबर 5 है, ठीक है। उससे आगे गली नंबर 6 है, उससे आगे Avenue 1। तो गली नंबर 4, ये 5 और 6 जो है, हाँ जी, ये निकली हुई है, कटिंग हुई है, साफ सुथरी गलियाँ आपके सामने देख लें, प्लांटेशन वगैरह हुई है। अच्छा, नाम पे इनकी प्लॉट बताएं कौन कौन से ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं? प्लॉट इन सारी गलियों के ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। अभी आप मेरे सामने जो प्लॉट है, 1 नंबर प्लॉट है, इस तरफ 16 नंबर प्लॉट है, और इसी तरह ऑनवर्ड ये प्लॉट्स अवेलेबल है, सारे मौजूद हैं। नंबर 4 कटिंग हुई हुई है, सर्विस सारी कंप्लीट है। 4, 5 और 6 के प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। अच्छा नाम भी, इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं उनकी क्या प्राइस ब्रैकेट है? इनकी प्राइस जो ब्रैकेट है वो तकरीबन 165 के प्लस माइनस की, जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल ऑन ग्राउंड अवेलेबल है सेक्टर ए के। अगर कोई कैटेगरी प्लॉट है जैसे कॉर्नर है, 70 प्लस, क्या नंबर है ये मैं आपको मैप पे देख के बताता हूँ, ये 17 नंबर प्लॉट है। अब ये जिस तरह ये 17 नंबर प्लॉट है, कैटेगरी का प्लॉट, कैटेगरी कॉर्नर भी है, साउथ फेस भी है, सन फेसिंग है, तो ये 175 का प्लॉट है। अच्छा, यानी कि जो जनरल प्लॉट है 165 प्लस माइनस तकरीबन जी। और ये डबल कैटेगरी है ना, साउथ फेस भी है और कॉर्नर भी है, सर्विस रोड का प्लॉट भी है, इसलिए 175 का प्लस माइनस का प्लॉट है। अच्छा नाम भाई, ये प्लॉट्स जो बने हुए हैं सारे ये सॉलिड है? सॉलिड प्लॉट है, ये कटिंग हुई हुई है, कटिंग हुई, यहाँ पे कटिंग हुई, फिलिंग नहीं हुई हुई, कटिंग हुई हुई। इवन इनके कमर्शियल प्लॉट्स भी जो हैं ये सारे, ये कटिंग हुई हुई है सारी, ये सारी कटिंग है। अच्छा, आप देख सकते हैं कमर्शियल से आप जैसे जैसे आप ऑनवर्ड चलते जाते हैं ना, इस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट वाली साइड पे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट। अच्छा, ये यहाँ पे पहले छोटी छोटी पहाड़ी आप कह लें, ठीक है, वो थी जिसकी कटिंग करके ना लेवल किया हुआ, ठीक है। और ये जो डीएच एक्सप्रेस वे है जी, इसके पार क्या है? इसके पार जो है वो भी सेक्टर ई है लेकिन इसको रिवर व्यू ब्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पे भी कटिंग हुई हुई है? वहाँ पे भी कटिंग मौजूद है, वहाँ पे भी प्लॉट्स हैं जो वहाँ पे भी प्लॉट्स ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, ठीक। उसे रिवर व्यू इसलिए कहते हैं कि साथ से ना एक रेंज आ रही है, रिवर व्यू उसे कहते हैं, रिवर कहते हैं, साफ पानी जा रहा है, इसलिए उसका ब्लॉक का नाम रिवर व्यू रखा गया। अच्छा, इसके आगे 20 स्ट्रीट्स निकली हुई, आगे भी मजीद स्ट्रीट निकली हुई, वो भी मैं आपको मौके दिखा दूँ। वहाँ पे अभी जो है ना वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है अभी, वो मैं आपको मौके दिखा दूँ। अच्छा नाम भाई, अभी व्यूअर्स को बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम जहाँ पहले वीडियो बना रहे थे गली नंबर 4, 5, 6 के पास, D2 सर्विस रोड सर्विस रोड खड़े हुए थे, उधर से वो आगे आ गए हैं एक्सप्रेस वे पे, सीधा सीधा आगे आए हैं। इनाम भाई से पूछते हैं कि अभी हमें कहाँ लेके आए हों? अभी हम गली नंबर 22 में खड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे ये राइट साइड में अगर देखें तो ये गली नंबर 23 है, इसी आगे ऑनवर्ड गली नंबर 24 है, ऐसे ही चलते जाएंगे गली नंबर 29 तक, ऑन ग्राउंड सारे प्लाट मौके पर मौजूद हैं, अवेलेबल है।
अच्छा नाम भी इस गली की भी 40 फीट ठीक है, यानी गली नंबर 22 से लेके नाम भाई ने बताया 29 तक अवेलेबल है, अवेलेबल है। और नाम भाई ये भी कनाल, टोटल कनाल है यहाँ, यहाँ पे 10 मरला है, 10 मरला की कटिंग है मौजूद है, लेकिन एक ही स्ट्रीट है वो स्ट्रीट 34 है। अच्छा वो भी ऑन ग्राउंड मौजूद है आगे, ठीक है। यहाँ पे ये गली नंबर 22 खत्म होती है ना, वहाँ पे इसी गली के एंड पे, एंड पे 10 मरला वो भी ऑन ग्राउंड अवेलेबल, ऑन ग्राउंड अवेलेबल। अच्छा नाम भाई ये जो सामने पहाड़ी सी है जी, ये भी फेस 6 का ही हिस्सा है, लेकिन अभी कटिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पे सेक्टर ए है, हाँ सेक्टर ए ही है, ठीक है। यहाँ पे गली नंबर 30, 31, 32 और 33 यहाँ पे बनती हैं। अच्छा इस तरह के जो एरियाज हैं जहाँ पे भी कटिंग नहीं हुई हुई जी, ठीक है, ये भी इस तरह के भी प्लॉट्स बैलेटेड है, बैलेटेड हैं, ठीक है। और उसमें मैप पे आपको शो होते हैं वही, लेकिन कटिंग नहीं, हाँ कलर्ड है, लेकिन कटिंग नहीं है, कटिंग नहीं हुई हुई अभी तक, यानी कि ये बैलेटेड है बट ऑन ग्राउंड नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये बैलेटेड भी है और ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड भी मौजूद है, इस तरह ये कॉर्नर है, कॉर्नर है बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इस स्ट्रीट की अगर बात करें 22 की, इसके प्लॉट की क्या, इसके प्लॉट की जो वर्थ है वो तकरीबन 155 से 60 तक की है। अच्छा क्योंकि हम आगे एक्सेस से थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। और वो जो आगे आपने बताया कि इसी स्ट्रीट पे आगे 10 मरला है जो वो भी ऑन ग्राउंड है, उसकी अवेलेबल, उसकी वर्थ नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक मार्केट में प्लॉट अवेलेबल सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कटिंग मौजूद है वैसे। अच्छा नाम भाई डेवलपमेंट तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की हुई है DHA ने, और प्लांटेशन भी इन्होंने काफ़ी मेंटेन की हुई है यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे पोजीशन कब मिलेगी, क्योंकि देखें आपने वो भी जो गलियाँ दिखाई हैं वो भी रेडी हैं, घर तो यहाँ भी बन सकता है जी, लेकिन क्यों नहीं बने हुए घर अभी, पोजीशन नहीं मिली। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई लोगों को पोजीशन लेटर मिले हुए लेकिन इजाज़त नहीं है घर बनाने की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने से 9-10 महीने तक तकरीबन ये पोजीशन दे देंगे, अब इजाज़त मिल जाएगी घर बनाने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रही है। मज़ीद मैंने सर्विसेज आपको ऊपर दिखाई हैं, मैंने आपको वीडियो में मैं दिखा दूँगा कि डेवलपमेंट चल रही है, सर्विसेज वगैरह डाल रहे हैं, जैसे वो कंप्लीट होंगे तो इजाज़त मिल जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 में आप पोजीशन मिलेगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी। अच्छा नाम भाई ये तो आपने दिखा दिए बैलेटेड एंड ऑन ग्राउंड अवेलेबल प्लॉट्स, और आपने ऐसे भी प्लॉट्स का हमें बता दिया जैसे उन एरियाज में है जो बैलेटेड हैं पर ऑन ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे मैंने सुना है फाइल्स भी हैं जी, फाइल्स हैं जिन्हें जो टू एक्सटेंशन DHFS टू एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं वो भी सेक्टर ए की हैं, वो भी बैलेट होके सेक्टर ए में आ जाएंगी। अच्छा आप उनकी जो सेक्टर ए में प्लॉट थे ना, ठीक है, वो फाइल सेक्टर ए की हैं, हाँ सेक्टर ए की, ऐसा भी मुमकिन है कि वो कहीं वहाँ से शिफ्ट होके सेक्टर ए से किसी और सेक्टर में चले जाएँ, जैसे B2, B3 या C2, C3 एक्सटेंशन वगैरह उनमें भी चले जाएँ। मतलब अगर कोई सेक्टर ए की फाइल लेना चाहता है जी तो उसमें कोई पक्की बात नहीं है कि उसको यहाँ कहीं प्लॉट सेक्टर ए में मिलेगा या, लेकिन री बैलेट जब भी होगा DHA 2 एक्सटेंशन से 6 में आएगा तो उसका ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ेगा, बढ़ेगा। अच्छा। चाहे वो उसे C3 में भी मिल जाए ना, तो मिनिमम भी C3 का इस टाइम पे प्लॉट है वो 1.25 से 1.30 का प्लॉट है। नाम भी आपने पहले भी वीडियो बनाई थी, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जब आपने हमें सेक्टर ए भी दिखाया और आगे भी दिखाया जी। जिस तरह भी आपने हमें सेक्टर ए दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि हम व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट जो वीडियो दिखाएं उसमें हम B2, B3 उनकी भी सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो बनाए जी। अच्छा नाम भाई ये जो फाइल्स हैं यहाँ पे इनकी प्राइस बताएं। इसकी जो सेक्टर ए की फाइल है उसका मिनिमम जो रेट है वो 1.15 से 1.20 तक है, जो टू एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, 1.15 से 1.20 तक, 1.20 तक। अच्छा नाम भाई बहुत ज़्यादा ओवरसीज क्लाइंट्स हमारे वीडियो देखते हैं जी, उनको आप क्या मशवरा देंगे अगर कोई वो प्लॉट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी गली में ले लेते हैं कहीं प्लॉट जी, कॉर्नर ले लिया या साउथ फेस के प्लॉट ले लिया, ये प्लॉट साउथ फेस होंगे ना साइड के जी, ये सारे साउथ फेस हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ ईयर क्या जंप है इंशाल्लाह, यहाँ पे ना मिनिमम भी जंप आया ना पोजीशन की इजाज़त मिलते ही यहाँ पे मिनिमम जंप आया तो 30 से 35% राइज करेंगे प्राइसेस की, 30 से 35% मिनिमम। सो लेट्स कंक्लूड दिस विजिट ऑफ सेक्टर ए DHA फेस 6। नाम भाई मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, गली नंबर 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये हैं जी वो गलियां फेस 6 सेक्टर ए में विच आर बैलेटेड एंड ऑन ग्राउंड अवेलेबल। अगर आप 10 मरले वाली जो कटिंग है वो स्ट्रीट 34 में वो भी ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। सो ये जी स्ट्रीट्स हैं, अगर आपका प्लॉट है यहाँ पे और आप जानना चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल है कि नहीं, तो हम स्क्रीन पे एक टेबल भी शो कर रहे हैं इस वक्त जिसमें इन स्ट्रीट्स के जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं उनकी नंबरिंग आ रही है आपके लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे अभी एज इसलिए है जैसे नाम भाई ने बताया कि इस साल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि पोजीशन मिलेगी, ठीक है, तो फिर एक जंप आएगा 30 से 35% का।
सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन DHA फेस 6 सेक्टर ए एज वेल. डेवलपमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, और भी डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, नाम भाई का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.